कुछ नहीं मिलेगा, उसकी लाश की सनकती नहीं होनी है, तो पुलिस गाड़ देगी उसे। तुम चाय बनाओ, नहीं तो सुबह सुबह दारू से कुल्ला करना पड़ेगा। लो आ गया तुम्हारा भाई, जाओ खोलो। तू ना ज्यादा सुना मत, पार्टनर है पार्टनर बन के रहे, हसम बनने की जरूरत नहीं है। ना तो खोल जाके, दिख नहीं रहा चाय बना रही हूँ। साला कंधे पे बैठा है तो सर पे मूतने लगी। यार पंकज, आज के अखबार में भी कुछ नहीं है, अब तो हम बच गए। हाँ पता है। अरे जब लाश की सनकती नहीं हुई है तो गाड़ दिया होगा। राधा चाय बना रही हो? हाँ। मेरे लिए भी बना लेना। ठीक है। अब क्या करना है, आज एकादशी हो गई, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नया शिकार तलाशना पड़ेगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैंने अपने पार्लर वाली लड़कियों से बोल रखा है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी बिना माँ बाप। ये तो चाय पियो। क्या चल रहा है? मैंने कहा बंद कर दिया, मैं अभी मेरी शादी हुई है तो मैंने कहा बंद कर दिया, इसलिए। ओके। ये काम था? हाँ था, तो पर सोचा तुमको दे दूँ। नहीं नहीं, काम मैं नहीं कर रही, शादी हो गई मेरी, अगर तुम काम है तो एक लड़की है मेरे पास, पूजा, आप उसका नंबर ले सकती हो उससे। अच्छा काम, पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं अच्छी लड़की है, आप ले सकती हो। हाँ मुझे नंबर दे दो। ए, तेरे को बोला ना, तू केवल जानकारी निकाल उसके जाने, बाबा से बात करके मैं बताता हूँ, अगर बाबा हाँ बोला तो ही चलेंगे खुदाई करने के लिए, फिर बात करेंगे। रखना, चल मैं बाद में बात करता हूँ। अरे बात तो करने दिया कर, क्या हुआ बोल। लड़की का इंतजाम हो गया।
ये देख। अरे ये तो मस्त है, एकदम मस्त। मुझसे भी? अरे नहीं रे, तेरी तो बात ही अलग है। और ये है कौन? इसके आगे पीछे कोई लफड़ा तो नहीं ना? ये पूजा मिश्रा है। माँ बाप बच्चा कोई नहीं, पति 12 साल पहले तलाक दे चुका, आजकल बहुत चल रही है। ला नंबर दे। हेलो। हेलो कौन? पूजा बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ, तुम कौन? अरे हम बोल रहे हैं। हम कौन? अरे पंकज परमार बोल रहे हैं, कर्ता ने नंबर दिया था। ओके जी बताएं। बुकिंग करनी थी वन शॉट या फुल नाइट? फुल नाइट। कल फुल नाइट तो नहीं हो पाया, पहले से बुकिंग है। वन शॉट करना हो तो बोलो, फुल नाइट का 5,000, पर कल नहीं हो पाया। अगर मैं 10,000 दूँ तो? बिल्कुल हो जाएगा। कहाँ आना है ये बताइए। कल मिलना है शाम 7 बजे। ओके बाय बाय। कंडम है तुम्हारे पास? रखे होंगे, तुम कमरे पे चलो ले लो। मैंने कहा ना है मेरे पास। अरे यार ले लो, जरूरत पड़ती रहती है और मेरे पास भी नहीं है। भैया कंडम देना, कंडम देना। कोई सा कितने हुए? दोस्त भी होगा, इसका अलग से पे करना होगा। ठीक है ले लियो। ओके गर्मी बहुत लग रही है यार, जरा पंखा चालू करना। हाँ
ठंडा लोगे या गरम? चलो माहौल गरम करते हैं। ए गाना चला। कितनों को मन को लुभा के चली मैं, कातिल जवानी जो मुझसे अदा है, मॉडल को छोड़ो जो बुड्ढे फिदा है, गोरो बदन तोरी नटखट है चाल, महफिल में तोखा तो कहते हैं माल, घूंघट उठा ले ओ पर्दा न डाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल। लहंगा है छोटा जे गर्मी बड़ी चिकनी कमर मुर रस्से भरी है, चिकनी कमर मुर रस्से भरी है, दहिया जवानी को पानी है मांगे, टूटे बदन मुर गर्दा उड़ावे, नोटन की गड्डी की नैया कमी, हवेली में रानी चलेंगे अभी, फूलों की माला से गाड़ी सजी, मोरी नजर रानी तो पे लगे, मोरी नजर रानी तुम पे लगे, रात की रानी कुंवारी कली मैं, कितनों को मन को लुभा के चली मैं, कितनों को मन को लुभा के चली मैं, कातिल जवानी जो मुझसे अदा है, मॉडल को छोड़ो जे बुड्ढे फिदा है, मॉडल को छोड़ो जे बुड्ढे फिदा है, गोरो बदन तोरी नटखट है चाल, महफिल में तोखा तो कहते हैं माल, घूंघट उठा ले वो पर्दा न डाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल, देसी नचनिया तुम लगती कमाल। जी बाबा। बताओ बलि संपन्न हुई या नहीं? जी बाबा। ठीक है, बलि की अंतिम क्रिया शुरू, तुम इसे मेरे पास ले आओ। जी बाबा। आज के युग में भी तुम जैसे अंधविश्वासी लोग हैं, बच्चे की चाहत में तुम लोग हैवान बन गए। लो हल्लो बात, ऐसे लोगों को तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, गोली। मैडम तुम तो एक औरत हो, फिर भी आपने दो औरतों की बलि चढ़वा दी। सालों तुम दोनों को सीनू और पूजा के साथ रेप और मर्डर करने के केस में अंदर जाना पड़ेगा। लो हल्लो बात, अब तो इनको फांसी होगी, फांसी।
साहब गलती हो गई, पर हमने पूजा के साथ कुछ नहीं किया। सर ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं साहब, ये पंकज ने पूरा सच नहीं बताया। ए, दूर मत, मैं तो आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। तू बोल। वो साहब पूजा को मारने के बाद हम उसकी लाश को बाबा के पास ले गए और वहां पर बाबा ने हम दोनों से कहा कि इसकी अंतिम क्रिया पूरी करनी होगी। फिर बाबा ने हम दोनों से कहा कि तुम लोग बाहर जाओ। फिर कुछ देर के बाद जब हम अंदर पहुंचे तो बाबा ने कहा कि इस क्लास को ले जाओ, तो वहां से हम उसे लेकर चले आए। तब रास्ते में वो हमारी गाड़ी से गिर गई और मैं डर गया साहब। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पिशाचनी किया हो? सर कहीं ये सच तो नहीं हवा फिल्म की तरह जिसमें भूत रेप करता है? नहीं शर्मा, ये किसी हवा के भूत या पिशाच का काम नहीं है। तो फिर सर? ये उस बाबा की करामात है, उस बाबा ने पूजा की लाश के साथ गलत काम किया है। कुछ लोग इतने वैशी होते हैं कि वो लाश को भी नहीं छोड़ते। जब ये लोग पूजा की लाश को लेकर उसके पास पहुंचे, उसने लाश को वहीं रखवा लिया और इन दोनों को बाहर भेज दिया, और उसके बाद पूजा की लाश के साथ उसने अपनी हवस मिटाई और उसके बाद फिर से लाश इनको दे दी ठिकाने लगाने के लिए। सर तब तो इनसे पूछना पड़ेगा कहाँ मिलेगा बाबा, सारे फसाद की जड़ तो बाबा ही है। कहाँ मिलेगा बाबा? साहब वो बाबा बहुत खतरनाक है, पता नहीं वहाँ बैठे बैठे क्या करवा दे, कोई नहीं जानता। साले पुलिस वाले ऐसे ढोंगे के बाप होते हैं, तू बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जी साहब, वो इस समय रठौरा के जंगलों में नरेश्वर मंदिर के पास मिलेगा, वो वही अपनी तंत्र साधना करता है। नरेश्वर के मंदिर? आगे वो मंदिर है, चलो जल्दी। की तंत्र साधना जेल में करना बाबा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। और चल विश्वास। ए पता क्यों मारा? Oh, my God.
नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। छोड़ दे। पांडे इतरिया शर्मा आग बुझा आग पकड़ो। जय हिंद मैम। जय हिंद टीआई साहब, आपकी पूरी टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। डिपार्टमेंट को आप लोगों पर नाज है। आपकी टीम को 10,000 इनाम की घोषणा करती हूँ। और आपका नाम टीआई साहब? मैं विभाग को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रेषित करती हूँ। थैंक यू मैम। सर आखिरकार पुलिस ने सभी अपराधी पकड़ लिए, किस तरह पुलिस इस मुकाम तक पहुँची, कैसे सफलता मिली? देखिए मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के पंजे से बच नहीं सकता। सर 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 हाँ बेटा